जी नमस्कार, अभी हम हैं वीवी गज के महारत क्लासेस में। यह सचमुच में महारत हासिल किया हुआ है। हमने गांव और शहरों में भी इनका नाम बहुत जोरों पे है और सुने भी है। यहां से बहुत सारे ऐसे हैं जो शिक्षक बन के गए हैं। तो सर से हम बात करेंगे और हमारे साथ परिचय के मोहताज नहीं, वह जिनका नाम है राहुल सर। और राहुल सर से हम जानेंगे कि यहाँ सी टेट का तैयारी और बी टेट का तैयारी और एस टेट का तैयारी और जे टेट का भी तैयारी होता है। तो सर से जानेंगे और बातचीत भी करेंगे। सर, आपका अरविंद स्टडी सेंटर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे पहला सवाल है कि आप यहाँ पर सी टेट का स्पेशल शिक्षक के साथ तैयारी कराते हैं या वही शिक्षक जे टेट का तैयारी कराते हैं या बी टेट का तैयारी कराते हैं? देखिए, एक्चुअली यहाँ पे सभी जो टीचर हैं वो ऑलराउंडर हैं जी। खुद सी टेट बी टेट क्वालिफाई हैं, कुछ तो जे टेट भी क्वालिफाई हैं और उन अपने वो व्यक्तिगत अनुभव का यहाँ प्रदर्शन करते हैं, सबसे शेयर करते हैं। और यही खास वजह है कि शिक्षक के अनुभव के कारण ही यहाँ बच्चों का रिजल्ट ज़्यादा आता है जी। और हमने सुना है और अपने नज़र से भी देखा है कि यहाँ से जो बच्चे क्वालिफाई करके गए हैं आज वह एक सरकारी शिक्षक है। और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वह सर भी सरकारी शिक्षक हैं। तो सर, आप बच्चे को तैयारी जब कराते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ रिजल्ट आप कितना परसेंट देते हैं? तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे पास हो ही जाते हैं, फिर भी दो चार हैं जो मतलब दो चार परसेंट आप कह सकते हैं। वो मतलब उनकी गलती नहीं है, उनका लक भी है जो मैटर नहीं उस समय काम नहीं कर पाता होगा। बट तैयारी ऐसी है कि 100% रिजल्ट आना चाहिए, बट 95-90% के अप्रोक्स रिजल्ट ऑलवेज रहता है। यहाँ से 90% रिजल्ट आता है सर बता रहे हैं, और सचमुच में भी आता है। हमने बच्चे से भी पूछा, उसका भी इंटरव्यू लेके आएंगे। और जो आप तैयारियाँ करना चाहते हैं तो आइए महारत क्लासेस में। और सर जो है, आप यहाँ से जो शिक्षक बन के गए हैं, क्या वह संस्था में कभी आपसे रिटर्न बातचीत करने या फ़ोन से कांटेक्ट हुआ है कि नहीं? बिल्कुल, ऑलवेज उनसे बात होती रहती है, वो आगे का मार्गदर्शन लेते रहते हैं स्कूल के वर्क से संबंधित भी। और प्लस वो एक्चुअली उनका ऐसा है कि रिजल्ट आने के बाद होता है ना कि भाई फलाने जगह से मैंने पढ़ा, तो बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं कि चलो अच्छा है, वहाँ जाओ पढ़ने के लिए। और इसी सिलसिले में हम लोग कम्युनिकेट करते रहते हैं ऑलवेज। और हमारा पर्सनल ग्रुप भी है, जो भी सरकारी शिक्षक बन चुके हैं उस ग्रुप से हम लोग भी चैट करते रहते हैं और सबके टच में रहते हैं। अच्छा सर, आप बहुत सारे ऐसे बातें बता रहे हैं जो कि आपको महारत से ही महारत हासिल हुआ है और महारत से ही नौकरी हासिल हुआ है जी। बिल्कुल, लेकिन महारत से बहुत सारे ऐसे अवार्ड भी मिले हैं, वह कौन कौन सा अवार्ड है? देखिए, यस एक्चुअली अवार्ड तो शुरुआत हो गई थी 2018 से ही। तो उस समय पटना में अवार्ड दिया गया, मुजफ्फरपुर में भी बहुत सारा अवार्ड मिला है। बहुत सारा तो मैंने फेसबुक पर डाला, बहुत को डाला भी नहीं, क्योंकि अब ये अपनी उपलब्धि की का बखान करना भी मुझे सही नहीं लगा। जो है सो है, अपना काम करना है जी, जी, जी। है ना, वो आए दिन होते रहता है। लेकिन जो सबसे पहले जो हमारे लिए अवार्ड है वह है बच्चों का रिजल्ट। वो हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है कि बच्चे खुश होकर जाते हैं, उनके गार्जियन फ़ोन करके कहते हैं कि सर आपके यहाँ भेजने से हमारे बच्चों का भविष्य बन गया। ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है और हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। अच्छा सर, आप यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो बच्चे हैं, कुछ उसमें गरीब भी है जो कि अमीर तबके के लिए, क्या गरीब तबके के बच्चे कैसे पढ़ें और उसका फ़ी में क्या, मतलब क्या दोनों का समान फ़ी है या उनके लिए कुछ छूट भी है? देखिए, एक्चुअली फ़ी तो सबके लिए समान है, लेकिन जो आवश्यकता से अधिक अगर निर्धन है, जो सक्षम नहीं है, उनके लिए हम लोग उनके ऊपर छोड़ देते हैं। क्योंकि फ्री की जो पढ़ाई है वो सफल नहीं है, एक रुपया ही हो लेकिन हम लोग गुरु दक्षिणा के रूप में एक रुपया भी एक्सेप्ट करके पढ़ाते हैं उनको। जी जी, सही है। और जो यहाँ महारत क्लासेस में हम आपसे बात कर रहे हैं, आपका नाम सुने तो हमने सोचा कि राहुल सर से चल के इंटरव्यू लेते हैं। और राहुल सर वाकई में एक ऐसे शिक्षक हैं जो कि न जाने कितने शिक्षक यहाँ से तैयार होके गए हैं। और जो आप तैयारी कराते हैं उसमें क्या एनसीईआरटी भी बुक चलता है क्या सर? देखिए, एक्चुअली हम लोगों ने अपना पर्सनल एक
ग्रुप के तहत नोट्स को तैयार किया है, जिसमें एनसीईआरटी का फुल कंटेंट है, प्लस जो सीटेट का एक सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या मटेरियल उसमें डालना है वो भी उसमें इंक्लूड कर रखा है। और साथ ही साथ हम लोग का ये प्लानिंग होता है कि कैसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को समझ आ जाए, समझ पर हमारा फोकस रहता है। लिखवाना हम लोग उतना फोकस नहीं करते हैं कि उनको लिखवाया जाए, समझाना ज़्यादा होता है और यही समझ का रिजल्ट नतीजा है कि रिजल्ट ज़्यादा आता है। जी जी, चलिए आज का इतना ही एपिसोड रहा, और जो बच्चा भी आएगा यहाँ उसका भी इंटरव्यू हम लेंगे, और जो इंटरव्यू में सर सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं उसका भी जानकारी हम देंगे। तो फिलहाल हमारे चैनल पे बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। धन्यवाद।